को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कल्याण कामी देवियों मरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, प्रकार के दुखों से छूट जाना आज के वातावरण में आप मेरी देवियों सज्जनों देख रहे हैं। इंसान पूरी तरह दुर्सा पर है, शारीरिक मानसिक और पारिवारिक, इसे बोलते हैं आधि व्याधि और उपाधि। बहुत बुरी तरह इंसान को खींचे जा रहे हैं, इससे सदा के लिए निकल जाए। नंबर दो होता है जी जो आवागमन है, जन्मना मरना मरना जन्मना क्यों, ये बड़ी सबसे बुरी बीमारी मानी गई, इससे निकल जाए। तीसरा सदा रहने वाली शांति मिल जाए। इस तीनों को मिला के एक शब्द हमारे हिंदू धर्म में है कल्याण, देवी कल्याण। इसका कोई भी शब्द, इसके पर्यायवाची शब्द हमारे पास किसी भी भाषा में नहीं है। वैसे मैंने अर्थ बता दिए, तीन प्रकार के दुखों से निकल जाना, आवागमन से हमेशा ही छुट्टी हो जाना, सदा रहने वाली शांति जीव को मिल जाए, इसको बोलती है कल्याण। तो हम ऐसे ही चाहते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कल्याणकामी जीव। और दूसरे रजोगुणी जीव है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो उनके सामने सिर्फ कामना पूरी करना, ये कामना वो कामना, ये लेना वो देना, इसी में गलतान है। सवेरे और शाम हमेशा उनको यही बक 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 रहती है, ना उनको तसल्ली होनी और ना कामना वासना ने उनकी जान छोड़नी, इसी में रहेंगे, इसलिए वो काम कामी है। कामना पूरी करने वाले वो दो प्रकार के जीव होते हैं जहां भी मनुष्य जाति रहती है। अब आपकी कल आपके कई जन्मों के बाद ये इच्छा उठती है कल्याण करें, वो भी कठोर तजर्बे के बाद, जब हमें नाना प्रकार के कठोर तजर्बे हो जाते हैं, ये समझ आ जाती है संसार में इस तरह कल्याण नहीं हो सकता, तृप्ति नहीं मिल सकती, खुशी से नहीं जी सकते। मैंने ये आपको भगवान की बड़ी छोटी की बात बता दी, संसार के प्राणी पदार्थ अधूरे हैं, अधूरे प्राणी पदार्थ किसी को भी आज तक पूरी शांति नहीं दे सके, अर्थात तृप्ति नहीं हो सकती इनसे। पेट मरे कोई कितनी कोशिश कर ले, इनसे तृप्ति हो ही नहीं सकती, तृप्ति भगवान से होती है। जब जब जहां जहां कहीं भी किसी को तृप्ति मिली भगवान से, ये बात हमने अपने मन में बिठा ली, इसलिए कल्याण के लिए जुट गए लग गए हैं। महाराज जी जरूर कृपा और भी कर देंगे, हम कल्याण करेंगे, क्योंकि परमात्मा का यह अटल नियम है जा चाह वहां राह। चाह जरा मन में गर्मा गर्म हो, जोरदार चाहना हो जानी चाहिए, भगवान कल्याण करते। तो आइएगा कल्याण के साधन मेरे सज्जनों मेरी देवी, जैसे आप जानती हैं एक नहीं अनेक भगवान जी ने गीता जी में विस्तार पूर्वक बतलाए, बड़े साधन है मेरे भगवान जी के। कल हमने विचार किया था तीन भगवान ने साधन बता दिए बड़े प्यारे, जो हमारे जीवन में दिन ब दिन उतरते जा रहे हैं, श्रद्धा तत्परता संयत इंद्रिया, भगवान के प्रति और भगवान के ज्ञान के प्रति पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ इसके बिना चारा ही नहीं, श्रद्धा का और कोई ना अर्थ लगाना, श्रद्धा विश्वास से आगे बढ़ जाता है। शुरू में विश्वास होता है भगवान जी पर, फिर भगवान के उपदेश पर विश्वास जमता है, फिर जब वाणी को अपनाते हैं तो श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा हाई क्लास है, अच्छा या मिडिल कह लो, इससे ऊपर है निष्ठा, अच्छा बिलीफ फेथ उसको बोलेंगे, अनशेकेबल फेथ, या और एक अंग्रेजी में शब्द है कन्विक्शन। जीप उसकी बात अभी छोड़ो,
अभिम श्रद्धा के लिए कि भगवान और भगवान के ज्ञान के बिना कोई चारा नहीं, मैं कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाऊंगा जब तक के भगवान के ज्ञान को अपना ना लूंगा। ये भाव हम सब कल्याणकामी जीवों के अंदर बड़ा गहरा उतर जाना चाहिए, ऊपर ऊपरी सतह पे न रहे। इट मस्ट गो डीप, स्टिल डीपर, स्टिल डीपर। अच्छा, प्रभु के ज्ञान के बिना मेरा चारा ही नहीं, मेरा हो ही नहीं सकता। परमात्मा करे ये भाव गीता जी में ना रह जाए कि कौन सा भला दूसरा है जहां में कहां, यह है श्रद्धा। करे दूर मेरे जो, आप किसी और कौन होगा मेरे प्रभु जो मेरे दुखों को दूर करे, मुरी झंझटों से निकाल दे, माया के दल दल से मेरा बेड़ा पार करे, भला दूसरा जहां में कहां। कितनी चोटी की श्रद्धा देवियों सज्जनों, कितनी चोटी की अनन्यता, इसे बोलेंगे महाराज जी के शब्दों में अनन्यता, एक्सक्लूसिव डिवोशन। ऐसी है कि मन चारों ओर से हट जाता है और उसे एक अपने इष्ट देव में लग जाता है। परमात्मा करे हम सारे ऐसे ही बन जाए, इसी जुमरे में सारी मेरी देवियां मेरे सज्जन पुरुष आ जाए कि महाराज जी आप किसी और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर दे, आप ही तो वो सर्व समर्थ है, आएगा ही आप ही सर्व समर्थ है मेरा कल्याण करने में, आप ही सर्वशक्तिमान है मेरा कल्याण करने में, आप ही मेरे इष्टदेव है मेरा कल्याण करने में, आप ही मेरे सर्वस्व है मेरा कल्याण करने में। ये भाव हम सबके मनों में उतर जाए, हाय मेरे सुनाना बिल्कुल ही सफल हो जाएगा जब ये भाव आप मेरे सर्वस्व है, आपके बिना कोई भी नहीं कर सकता। आहा, अभी एक देवी जरा थोड़ी सी दिमाग से हल्की थी पर बात बड़े पत्ते की सुना गई, लोगा दे सहारे वे दातिया हजारों, मेरा सहारा तू ही तू। ये लोगा दे अनेक सहारे हो सकते हैं दाता, पर मेरा सहारा तू ही तू। आहा आहा आहा, लोगा दा लखा सहारे मेरा सहारा तू ही तू। आहा, लोका ने सड़ना कखा दे विच, आए खाए और मेरा, आए खाए चंदन तू ही तू। आइए ये भाव आप जल्दी बिठा लो, मैं तो समझाता जाऊंगा, प्रसंग जैसे गीता जी के बनेंगे प्रकाश डालूंगा। आप लोग का श्रोता के नाते से धर्म है, बस ये बात मेरी हो गई। ऐसे ही जैसे कंजूस धन का होता है, मैं चाहता हूं हम वाणी की कंजूस हो जाए, फोर रन ले ले, बस ये बात बड़ी अच्छी, अब इसको ये बात मेरी बन गई, इसको मैं अपने जीवन में डोता लूं, तब तो मेरी जल्दी देवी इसी जमाने में कल्याण जाएगा। हम ढील न करें और पेंडिंग भी ना करें, कर लेंगे इसे अंग्रेजी बोलते पेंडिंग या स्थगित करना, ठहरा देना, कर लेंगे, हो जाएगा। नाम ना अब निशोभा देता, चूंकि हम श्रद्धालु और काम कामी है, कल्याण कामी है, हमें तो यही है, बस ये बात बन गई। तो मैं कल भी कह के खामोशी ले ली थी, क्या हम निरीक्षण करें अपने अंदर, इतनी श्रद्धा मेरे में है, क्या कसौटी है, मैं भी कह सकता हूं मेरे में इतनी श्रद्धा है, आप भी बड़े तपाक से और जोर शोर से कह सकती है ये मेरे में श्रद्धा है। भगवान कहते भाई जिसमें इतनी श्रद्धा होती है ना, हाँ उनके सारे अंग उनके अधीन हो जाते हैं। अच्छा मां, ताकि हम अपने आप को ओवर जज ना करें, हम अपने आप को गलती से या भ्रांति से 30 मार खा ना समझे, 30 मार खा हाँ, इतनी ताकत ना और अपने आप को ओवर जज कर लेना, हम अपने आप को ठीक देख लें कि वाकई मैं श्रद्धालु हूं। अच्छा अब आपका वाकई मैं अंगों के अधीन नहीं, अंग को बोलते हैं इंद्रियां, मैं इंद्रियों के अधीन नहीं, ना मैं ज्ञान इंद्रियों के अधीन हूं और ना ही मैं कर्म इंद्रियों के अधीन हूं, शाबाश। तो भगवान कहते हैं हाँ इसकी भी कसौटी है, वो मेरे माल का, क्या क्या दिन रात तू अभ्यास में लगा रहता है, ये महाराज जी कह रहे हैं डिवोटेड तत्परा, क्या शब्द है तत् तो होता है वो, बेटे जैसे आप बोलते हैं हरिओम, आगे क्या बोलू, तत् फिर सत्य, तत् का मतलब जो 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 वस्तु या सत्ता मेरे से जरा दूर है, तत् जो मेरे नजदीक है, त्वम जो मेरे बिल्कुल पास है उसे क्या बोलती है, अहम, मैं
आप और वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हां तो तब जरा भगवान जरा पढ़े तो तब पढ़ा जो उनके लिए लग गया है, है उनके लिए जुट गया है। जुटना क्या होता है? प्रातः काल का उठना अनिवार्य हो जाता है। फिर और मैं जरा प्रकाश डालूं, तत्परा क्या होता है? जो तप पर है, जुटे हुए हैं, प्रातःकाल जरूर उठती हैं। मैंने कई बार आपको बताया, ये जरूर हम सब में आदत पड़ जाए, उठना, अपने पेट साफ करना, नहाना धोना, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, अपनी आदत बना ले। अपने शरीर से पवित्र हो गए, फिर घर के ऐसे कमरे में जा चुपचाप शांति रहती हो, उसमें बैठ जाना, चौकी लगाना, जहां तक हो सके तख्त पूछ पे बैठना, या कोई चौकी दो बलिष्ठ ऊपर हो, दो डेढ़ बलिष्ठ ऊपर जमीन से, चीटे मकोड़े और दूसरे जहरीले जानवर तंग ना करे, ऊंचे बैठ के चौकी, जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हूं, चौकी लगा के बैठ जाना और अपनी वृत्ति को दो भ्रुवों के बीच में टिका के महाराज जी का पावन नाम लेते रहना। लेकर देखना मन मेरा कहीं भी ना जाए, जाए कहां, हमें भगवान ने बता दिया कौन सा स्थान है जहां मेरे महाराज जी ना, और भगवान ही एक से अनेक हो गए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भगवान का, बहुत ही अच्छा पॉइंट। अनेक नहीं है, अनेक एक ही अनेक हो गया। जैसे घर में पिताजी नहीं है, पिताजी ही अनेक हो गया है। घर में आपके क्या पति देव है तो और क्या है, लड़के हैं लड़कियां नहीं, पिता आपके पति देव ही अनेक हो गए हैं। कुछ ने अपने आप को ढीला किया है और खुद ही अनेक हो गए हैं। जैसे पति का दृष्टांत, पिताजी का दृष्टांत, हाँ वो ही एक से अनेक हो गया। जैसे ये इसी तरह महापुरुष कह गए, सर्वव्यापी रूप में भगवान को ले लो, विराट रूप में भगवान को ले लो, व्यापक रूप में भगवान को ले लो, भगवान जी एक से अनेक हो गए हैं। अनेक को आपने खत्म कर देना बड़ी जल्दी कर चुके तो बहुत ही अच्छा, अभी तक नहीं किया तो फिर आप अपने साथ जुल्म कर रही हैं। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि जो देर लगाई जा रहा है और मन भागता है वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। सर्वसर तो बिल्कुल ही वो अपने साथ वैर कमा रही है या वैर कमा रहा है। अभी तक ये नहीं समझ आया अनेक नहीं है, एक है, एक ही अनेक हो गया। पिताजी ही अनेक हो गया, धिया पुत्र पति पत्नी पुत्री बना ली। इस तरह मेरे भगवान ही 84 लाख योनियों में अनेक होके फिर हमें कल्याणकामी जीवों कह रहे हैं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं, सनर्जन नहीं कुछ भी मेरा। और प्रतिष्ठान कितना सुंदर दिया, प्रोया सब कुछ मेरी तार में, हीरे हूं जैसे किसी हार में। वाह फिर तो कमाल हो गया। अनेक हटा देना, मैं बार बार कह रहा हूं, कसरत नहीं वहदत, कसरत नहीं वहदत, अनेक नहीं एक। अनेक को जो सत्य मानता है वो जहान का भक्त है, और जो अनेक में एक को सत्य मानता है वो भगवान का भक्त है। महापुरुषों ने ऐसी हमारी अकल की खिड़कियां खोली है, अनेक को जो सत्य माने जहान का भगत, एक को जो सत्य माने भगवान का भगत। नहीं मैं नहीं बोल सका, अनेक को जो सत्य माने जहान का भगत, अनेक में एक को जो सत्य माने वो भगवान का भगत। अनेक हमें भी नजर आएगा लेकिन हम उसे मिथ्या मानेंगे, समझे। अनेक में जो एक को माने वो भगवान का भक्त। क्या अनेक तो है लेकिन अनेक सत्य नहीं है, सारी चीजें तो डिजॉल्व होती जा रही हैं। ये भाव जल्दी पक्का करो, मैंने बड़ा लाभ उठाया, बड़ा लाभ उठा रहा हूं, मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। सिर्फ इतनी सी बात गीता की जान करके, क्या गीता वादानियत का उपदेश देती है, गीता एकता का पाठ पढ़ाती है, गीता अनेक में एक को दर्शाती है, है गीता एकता का पाठ पढ़ाती है। अर्थात ऐसा मन में लिख के, ये कॉपी पर लिख के ना, गीता अनेकता का, गीता एकता का पाठ पढ़ाती है, अर्थात अनेक में एक को दर्शाती है। अनेक में एक भगवान जी, मेरे इष्टदेव जी, मेरे नारायण, अनेक में एक। अब कहा मन जाए, अनेक है ही कोई नहीं, अनेक तो मालिक ने अपने अपनी ओर से बना लिया है। शाबाश, इसको स्वामी जी ने बड़ा क्लियर किया भाषण देते हुए, उनका मथुरा का भाषण बड़े कमाल का है। अनेक में एक कैसे, जैसे दिवाली वाले दिन खान के खिलौने बनती है, हाथी
घोड़ा है, हिरन, अच्छा और क्या है, ये देखो ये देखो ये क्या बना हुआ, कुत्ता, और क्या बना हुआ है, ये तोता, ये क्या है, ये सारे खान के खिलौने है, है सब खान ही खान, ये सब खान है, सांचों में खान को गला करके डाला गया, जमा दिया गया, है तो खान ही खान। इसलिए सर्वव्यापी भगवान जी ने ही अपने नाना प्रकार के रूप प्रकट कर दिए, है क्या, भगवान ही भगवान। जैसे मैंने अपने मन को अंतःकरण को मना लिया, आप भी मेरे सजनों मेरी देवियों मना के बस जम जाओ, अनेक फिर हमारे सामने जा रहे हैं, ना 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 नानी ना माँ ना बाप, देख लो सब चले गए, ना चाचा ना चाची सब चले गए, बड़ी बड़ी बहने सब चली गए, हाँ अपने लंगोटिए यार वो भी नहीं रहे, या आप बड़ी मुद्दत से आ रही हो, कितने चले गए, कितनी माताएं मेरी बेटियां मेरे भाई मेरे बुजुर्ग, यहां बैठता था कोई, वहां बैठता कोई, उधर कोई अखीर में बैठता था, कोई 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 कहां गए, गए गए, और बाकी जो है तैयार बैठे। तो ये जान तो चलायमान है ना, हाँ चलायमान, बस इतनी सी बात बिठानी है, फिर अनेक तो ना रहा, जब अनेक चलायमान हो गया फिर मन लग गया एक के अंदर, इतनी बात तो आप मना लो ना, मन आपके अंदर है, मन आपके अंदर है, दूसरों को बनाना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरों को सहमत करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है सहमत करना, कन्विंस करना, मन को लिए क्या मुश्किल है, मन को तो हमने, मन विचारों का पुतला है, विचारों समझा दे, भगवान के उच्च विचार देकर, सुनो भगवान के शक्तिशाली विचार देकर अपने कमजोर मन को समझा लो, हमारे जो विचार है वो निर्बल है कमजोर है, और सुनो ओ मेरी देवियो, मन नाम विचारों का है, गीता नाम विचारों का है, ओए ओए बाबा ओए, हमारा मन क्या है, विचारों का पुतला, और गीता क्या है, विचार, भगवान के शक्तिशाली विचार है, क्यों, उनमें ज्ञान मिला हुआ है, उनमें भक्ति मिली हुई है, उनमें भगवान की दिव्य शक्ति मिली हुई है, भगवान के विचारों में ज्ञान मिला हुआ है, भगवान के विचारों में सुन भक्ति मिली हुई है, हाँ और दिव्य शक्ति मिली हुई है, हमारे विचारों में, हमारे विचारों में, हमारे हमारे विचारों में काम मिला हुआ है, क्रोध मिला हुआ है, मोह मिला है, मर गए मर गए, लोभ मिला हुआ है, अहंकार मिला हुआ है, जितनी ये नकारात्मक वृत्तियां मिलती है उतने हमारे मन कमजोर हो जाता, और नेक जीवो है, और सुनो है अपने भगवान की बात, भगवान के विचार क्यों शक्तिशाली है, उनमें ज्ञान है, उनमें भक्ति है, उनमें दिव्य शक्ति है, सो जो है लॉर्ड्स थॉट्स क्या है, मोस्ट पावरफुल, हमारे विचार कमजोर है, क्योंकि इनमें जो नकारात्मक वृत्तियां निकालते जा रही हैं, हमारा मन भी अच्छा बनता जा रहा है, अच्छा मन कौन सा होता है, जैसा आपने इरादा कर लिया पूरा कर दिखाया, उसको हमारे शास्त्र बोलता है अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, उसको हम अच्छा मन बोलते हैं, अब उसी को हम इन्हीं गंदी वृत्तियों को निकालना है, इन्हीं गंदी वृत्तियों को निकालना है, लेकिन भगवान ने एक शर्त लगा दी, सियाने कहा करती है पढ़ रही है, इम्तिहान तेरे नजदीक आ गया, अब तो फरवरी की पहली है, मार्च या अप्रैल में शायद एक महीना पेंडे गोरे इम्तिहान, अप्रैल में इम्तिहान हो जाएंगे, हाँ उससे पहले तैयारी कर ले, वो इसी तरह भगवान कह रहे कमले अगर मेरी वाणी पढ़ता है मेरी वाणी सुनता और कल्याण चाहता है, मरने से पहले एक गंदी वृत्तियां बाहर निकाल, न छोड़ा अभी जिसने, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, मगर कर लिए जेर तैशो हवस, इन गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया, सुन रख बेटी, जैसे शादी से पहले जो कुछ बनाना बनूना एक सीधे कसूदे करने नहीं, वो पहले कर ले, हाँ इम्तिहान से पहले पढ़ाई कर ले, हाँ दिन मुकर्रर कर दिया कि बसंत वाले दिन गृह प्रवेश करना है, अभी शीशे लगवाने हैं, अंदर के दरवाजे रह गए हैं, वो बुलाओ उनको चाहे ज्यादा रुपया देने पड़े, चार पांच तारीख को तो आ गई इसी महीने की, चार पांच तो बसंत है, हाँ तो जल्दी बनवाओ, दिन मुकर्रर हो चुका है, गार्ड छप चुके हैं, बड़े शौक से तेरे पिताजी और भैया बांट आए हैं, गली मोहल्ले में बांट आए, जरूर आना जी, देखना भूलना नहीं, नहीं आप उस दिन जरूर आना है, ये बहाना ना बनाना कि मैं दिल्ली चली गई थी, हमने ये कोड़ी सुनना, ना 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 दिल्ली जाए तेरी बिल्ली,
आपने तो हमारे गृह प्रवेश करना है ये, तो फिर उसकी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह भगवान कह रही है, हाँ मैंने मन को ऐसा समझाया। हर बात की तैयारी होती है, पढ़ाई की तैयारी, इम्तिहान की तैयारी, शादी की तैयारी, हर बात में जो भी गृह प्रवेश की तैयारी। हाँ लो, और तो और इतनी महत्ता आप कमलों ने दे दी, नामकरण की तैयारी। ले क्या, किसी पंडित जी को बुलाकर उसकी धोती धोती कपड़े देकर नाम करवा लिया करो। ना, नामकरण होना है, कार्ड छपनी है, और फिर प्रीति भोजन होना है। प्रीति भोजन का नाम ही रख लिया, क्या हमारी नकल कर ली बेंच की, ब्रेंच, ब्रेंच तो नहीं मेरी बेची, आर बीच में घुसेड़ दिया, ब्रंच, हमारे ब्रंच होना जी, मतलब क्या प्रीति भोजन है। वे कुछ खाने पीने की चीजें दी जाएंगी, चस्का और बढ़ा दिया जाएगा, चह ये प्रीति भोजन कितना लंबा चौड़ा कर दिया हम लोगों ने, यानी कितनी तैयारी करती है। आओ, शरीर छोड़ने की भी जो इम्तिहान जरूरी है, और फिर पता कोड़ी कब, वो तो डेटे मुकरर होती हैं, किसकी, गृह प्रवेश की, नामकरण की और इम्तिहान की, ये तो पता ही कोई नहीं, कब कब शीत छूट जाए। कितना अच्छा कहा गया, मौत और गाक और मौत का कोई समय नहीं होता, गाक कब आ टपके और मौत कब आके गर्दन दबा दे। हाय हाय, अंग्रेजी में कितना अच्छा कहा गया, क्या 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 अंग्रेजी में क्या कहा गया, डेथ कीप्स, डेथ मैंने मौत, कीप्स मैंने रख दी है, नो नहीं, क्या कैलेंडर, ओए मेरे रब्बा, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। हमारे घरों में दुकानों में तो कैलेंडर लटके हुए हैं, पर एक मौत जो काले रंग वाली है ना, और काले रंग वाला मौत का जो छोटा है, हाँ ये कैलेंडर को नहीं रखता, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, क्या मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जल्दी का लेना चाहिए, जल्दी करना क्या है, काली मिट्टियों को बाहर निकालो। काली मिट्टियां कैसे निकलती हैं, सिर्फ यही मन को समझाकर, इनमें तृप्ति कोई नहीं, काम में कोई तृप्ति नहीं, क्रोध में कोई, इनमें तृप्ति नहीं, इन मिट्टियों को तब रखा जाए जब इनमें तृप्ति हो, तृप्ति फुल सेटिस्फेक्शन, देयर इज नो सेटिस्फेक्शन एट ऑल, फिर इनको रखने का मतलब ही कुछ नहीं अंदर है, इनको अंदर रखने का मतलब क्या, ना डॉक्टर साहब कहती हैं आपका बच्चा जो है अभी 1.5 साल का हुआ है छंगला, छे छे उंगलियां हैं, फिर उनको स्कूल में भी कहेंगे छंगल 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 मारो संगल, छंगल मारो संगल, और बच्चे को यूं ताने मारेंगे, छंगले को मारो संगल, छे छे उंगलियां, छे छे इधर, छे छे पैर को, पता नहीं ये क्यों जाती हैं। तो डॉक्टर रह देता है अभी कच्चा मांस है, कच्ची चीजें कटवा दो, इसका फायदा कुछ नहीं ना, इसका कोई फायदा नहीं, उल्टी अर्थी हिंदू धर्म में लगाई जाती हैं, छंगले होती हैं जरा, अब आमतौर पर कौन होती है, मंगलीक होती है, मेरी और मंगलीक को अगर लड़की भी छंगली ना मिले तो मौत हो जाती है, मर जाती है, हर बा कैसे हमारे धर्म में या हमारे समाज में प्रचलित होगी ये बात, इसलिए कहते काट दो। इस तरह जो चीज आप देख ली हमने कि जरूरी नहीं है, मेरे जीवन में बाधा है, कौन सी, ये पांचों गंदी वृत्तियां निकाल दो बाहर। इसलिए अब हर सुबह शाम बड़े आदर मान से बोलती हैं, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा, ऐ मेरे देव मेरे इष्ट देव, इन्हीं के कारण से मुझसे अनुचित पाप का अर्थ लगाना अनुचित कार्य, और नेक जीवो पाप क्या होता है, अनुचित कार्य, अनुचित कार्य क्या होता है, जो बुद्धि और मन पे पर्दे डाले, जो भगवान से दूर करे है, उसे पाप कहती है। और अपने को समझाना तो इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, हाय अनुचित कार्य, नाजायज क्या कर्म, नाजायज अमल, उनको हटा दो, निकाल दो, ये व्यर्थ के है, ये हमारे बाधा है। चल एक एक बात को मेरे जैसे से समझ लो, एक एक बात, उसके बाद बस जुट जाओ, क्या मैं यहां आते ही इसलिए है, गीता खुद पढ़ने से नहीं समझ आती, गीता हमारे हिंदुस्तान का चोटी का मनोविज्ञान है, भारतीय मनोविज्ञान गीता, भारतीय दार्शनिक विद्या गीता, इंडियन बेस्ट साइकोलॉजी, इंडियन बेस्ट फिलॉसफी इज इक्वल टू गीता। इसके लिए समझाने वाला जरूर कोई होना चाहिए, पूरी क्षण हमें अपने आप समझ नहीं आएगी,
कोई खोले तो आपको खोले वाला मिल गया, बस समझ आई, बस अभी से नाव अपने अंदर ले लो, फौरन अपना ले। मेरे खासकर जितनी भी यंग आए बैठे हैं सब फौरन अपना लो, बस ये बात मेरी होगी, इनको निकाल दीजिएगा। लो अब मन शांत, जैसे छठी उंगली का कोई फायदा नहीं, उल्टा मैंने कहा स्कूल के बच्चे तालियां मारेंगे, इस तरह इन पांचों कोई फायदा नहीं। हाँ अगर हम काम कामी होते तो धक्के खाते रहते, कभी कामी कभी क्रोधी कभी लोभी कभी मोही कभी अहंकारी, लेकिन अब चूप महामा बन गया, कल्याण कामी कल्याण करके रहना चाहते, कल्याण करके जहाने फानी से कूच करना चाहती है, तो खुद भगवान हमारे कह रही है क्या, मगर कर लिए जेर शरीर छोड़ने से पहले, इनको अपने अधीन कर लो, इनको हटा दीजिएगा। हा कि ये मेरे लिए बाधा है, ये मुझे फिर किसी जन्म में किसी गर्भ में गिराएंगे, ऐसी जब भाव पैदा हुआ अभ्यास से ये निकल जाते। अब बड़ी मौज से अब आपका मन शांत रहेगा, चलते फिरते उठते बैठते आपका मन विक्षेपता में नहीं जाएगा, मेरी देवी आप अजमा भी रहे हो, भगवान आपको और शक्ति दे और आप पूर्ण पेन अपना ले, अजमा ले अपना ले एज यू लाइक इट। तो भगवान ने कहा मैं तो तब भगवान कहूंगा, भगवान जी कहते मैं तो तब मानूंगा कि आप चोटी के श्रद्धालु हैं। अच्छा अरे सुन, भगवान कहते मैं तो तब मानूंगा कि आपको अपने अंगों पर इंद्रियों पर कंट्रोल है। प्रभु जी कब, जबकि आप जुट रहे होंगे, तत्पर होंगे, तब उनके लिए पर जुट जाना, एक शब्द होता तत्परायण, उनके अधीन हो जाना, ये शब्द है तत्पर, तत्पर मैंने उनके लिए जुटना, उनके लिए लगना। जैसे शादी के लिए कितना कुछ आप करती है, जब महीना दो महीने रह जाए, इम्तिहान के लिए मैंने अभी कहा कितना करती है, हा उसको भी तत्पर कहेंगे, किसके लिए तत्पर तत्परायणता है शादी के लिए, अरे इतने दिन रात तत्पर है किसके लिए, वो मेरा इम्तिहान आ गया परीक्षा के लिए, इतने तत्पर क्यों हो, अपनी धन कमाने के लिए खर्चा ज्यादा है जी, और हम सारे तत्पर क्यों हैं, अपने कल्याण के लिए, आए आए तत्परा कल्याण कामी, तत्परा कल्याण कामी, कल्याण कामी जिन्होंने कल्याण कर जाना है मेरी भगवती मेरे सज्जनों, वो तत्पर जुट जाते हैं। किस लिए जुट जाती है, जुटना किस लिए होता है, आप में से कोई बतला है, बोलो ना, जुट जाना किस लिए होता है, खून पसीना एक कर लेना, जुट जाना, लग जाना, बिजी हो जाना, अंगेज हो जाना, स्ट्रगल करना किस लिए, कमी को दूर करने के लिए। ए मेरी भोली भाली देवी, और क्या शब्द लगाऊं आपके लिए, बिल्कुल ही आप गोलगप्पे हैं, जुटना होता है किसी कमी को दूर करने के लिए। हाँ कोई कमी हमें खाती, धन की कमी हो तो जुट जाएंगे, विद्या की कमी हो तो जुट जाएंगे, नौकरी कमी हो दिन रात एक कर देंगे, अच्छा वार घर चाहिए तो हम जुट जाते हैं लग जाते हैं, और अब क्या है, कल्याण की कमी है, आप तो जुट जाएंगे, किसी कमी को दूर करने के लिए जुटा जाता है, लगा जाता है, याद रखना प्राप्त करने के लिए नहीं, वो दिल करता है ये चीजें नहीं है, तब मेरे में शांति नहीं, हमारा घर में ये नहीं, तो वो कमी महसूस की ना, अपने मनोविज्ञान की बात याद रखो, किसी कमी को महसूस करने के लिए इंसान जुट जाता है, लग जाता है। कितना रुपया खर्च करती है डॉक्टरों के पास, क्यों, सेहत की कमी के लिए, सेहत को रीगेन करने के लिए, सेहत को रुकूप बोलते हैं अंग्रेजी में, रुकूप RECOUP, रिकूपिंग हेल्थ अर्थात पुनः प्राप्त करना, अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए इंसान कितना जुट जाता है। हाँ तो कमी को दूर करने के लिए, हम कल्याण की कमी है हमारे में, कल्याण हम कल्याण चाहते हैं इसलिए जुटे हुए हैं, उस शब्द आता तत्परा। भगवान कहते मैं तो तब मानूंगा आप श्रद्धालु है, ओ मेरे दाता जी, ओए कितनी गीता गजब का शास्त्र है, अगर ग्राही में उतरे कितने कमाल का शास्त्र है, भगवान जी आप कब मानेंगे हम श्रद्धालु हैं, जब आपको अंगों पर कंट्रोल कर लेंगे, वरना देखने का शौक है, लोग आपको तकते जाएंगे, सीनरी तकते जाएंगे, कपड़े तकते जाएंगे, गंदी बात, तो अब क्या होगा, सिर्फ देखना होगा, तकना नहीं होगा,
ललचाई हुई नजर से नहीं देखेंगे, गंदी बुद्धि बातें नहीं सुनेंगे। इस तरह मतलब जिनको अपने अंगों पर कंट्रोल है उनकी मोटी निशानी क्या है, मोटा प्रूफ क्या है, वो एकांत में रहेंगे। देखने का शौक बंद, सुनने का शौक बंद, खाने पीने का चस्का बंद, हाँ चलने फिरने का शौक नहीं, बाकी अंगों पर भी निग्रह है, कंट्रोल है, तो ऐसा जीव कहाँ रहेगा? वृक्षों पर रहेगा? नहीं, ऐसा जीव कहाँ रहेगा? एकांत में रहेगा। हजू में खलायक सी होना न पूर, लुकांत से हटकर एकांत। एकांत का विपरीत अर्थक है लुकांत, और लुकांत का विपरीत अर्थक है एकांत। ऐसा जीव लोकांत से मन हटा लेगा, लोकांत में मुझ जाती है जो अंगों के अधीन है। देखने का शौक है, सुनने का शौक है, हाँ पहनने खाने का कपड़िया कपड़े पाके इसको शो ऑफ करने का शौक है, लोग देखे मैंने इतने पहने हैं जो है, इतना सोना सोना पाके दिखाने का शौक है। मैंने पाके बैठ के घर के अंदर लख लख ने मुझे पाने का वायदा क्या हुआ, मैंने नवी नवी घड़ी ली है तो यू पाके बैठ जाओ, नहीं। ये जो हम समागम है ये तो है समागम, दिव्य समागम, इसको दिव्य शब्द लगा देंगे, दिव्य समागम है ये, बोलेंगे डिवाइन गैदरिंग। अंग्रेजी में शब्द आपने जरूर पढ़ा गैदरिंग, लेकिन गैदरिंग आम भी होती है, दिस इज डिवाइन गैदरिंग है, ये डिवाइन गैदरिंग। डिवाइन गैदरिंग में जब डिविनिटी की बातें होती है और इसको जब अपनाया जाता है तब होता है सब परमात्मा संग, मैंने एसोसिएशन है गए डिवाइन एसोसिएशन, वो होता है सत्संग। बेटे सत्संग तो वहां होता है, ये तो मैं साधन बता रहा हूं सत के मिलने के लिए, इसके लिए इसके समागम बोलती है समागम। अच्छा शब्द लगता है संत समागम, और यहां क्या कहा जाएगा? संत समागम नहीं, गीता समागम, ये गीता समागम है, और गीता क्या है? ज्ञान समागम। ओई 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 ओई, इसको संत समागम न कहना, ये ज्ञान समागम है, गीता समागम है। अच्छा महाराज जी को ज्ञान को लेकर हम तलीन हो जाते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, लो वाह मेरे भगवान का सत्संग हो गया। उसमें खुशी में भगवान जी क्या देंगे? दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, डिवाइन विजडम एंड डिवाइन पावर। जीव को ध्यान से, जीव को वहां से मिल जाती है, वह जीव प्राप्त कर लेता है। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी देवी, बड़े ध्यान से अपने आप को एकाग्र रखिए, भगवान करे ऐसा ही। पर किनको एकांत, किनको प्यारा लगेगा एकांत, किनको? जिनका मन इस जुमरे में आ गया। किस जुमरे में आ गया? किस अवस्था में आ गया? सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू भी। पुरानी संसार संबंधी बातें सुनने खत्म हो गई, नहीं सुनने को शौक नहीं आए, ये कोई कोई होगी, नारी चोले में तो बहुत मुश्किल है, ऐसा पत्थर मन बना लेना, नर में आसान है। पुरानी संसार संबंधी बातें सुनने से मन टूट गया, नहीं सुनने का शौक नहीं, तो कहां जाओगे? दरिया के अंदर नहीं, वृक्षों पे चढ़ जाओगे, कोई कोयल हो तो कहां चढ़ोगे? एकांत में। तो ये अवस्था कब बनती है? सुनी बात से जो हो अकल आजाद निकल जाए तू मोह के, ये तब अवस्था बनती है। प्रभु जी ने हमारे पर कितना उपकार किया है, एक एक राज को खोलते गए खोलते गए। गीता कोई पूछे ना, मेरे से पूछे गीता क्या है, मैं हमें कोई दृष्टांत दे के समझाओ बाप गीता का ज्ञान कैसा है। लाइए मोटा प्याज, हा जैसे प्याज लेके एक एक करके हम छिलके उतारते जाते हैं, भगवान का ज्ञान एक एक करके उतरता जाता, नया राज और भी ज्ञान, जो जो छिलके उतरते जाते नीचे से और छिलकों का ढेर लग जाएगा। इससे जो जो हम गहराई में उतरते जाएंगे, नए नए राज, नई नई शक्ति, नया नया ज्ञान। आई इसको महापुरुष ने समझाया तो जरूर है, एक दृष्टांत दिया उन्होंने, जो केली के पात पर पात पात में पात, एक केला होता है एक केली होती है, स्त्रीलिंग होती है। शायद कबीर जी के अनमोल बोल है,
जो केली के पात पर पात पात में पात, पत्ते के नीचे पत्ता, फिर परे पत्ता, फिर हीरे पत्ता, भगवान ये क्या गजब का पढ़ाया है केली, पात पात में पात, तू ज्ञानी की बात में बात बात में, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, तू गीता की बात में बात बात में बा। हमने तो ये अनुभव किया आज तक, एक एक बात रास की, फिर रास की, फिर रास की, बात बात में बात, कितनी गहराई में गए। इसलिए तो रब ने कहा है गीता क्या है, ये इल्मे शही है, ये राज़ी शही, इसे डिवाइन सीक्रेट एंड डिवाइन नॉलेज, इससे बढ़कर सीक्रेट कोई दुनिया में हो सकता। जितना मेरे भगवान जी ने गीता जी में प्रकट किया है, और वो भी कल्याणकामी थोड़े से जीवों के लिए, कल्याणकामी कलयुग में बहुत थोड़े होंगे, आपके तो अहो भाग्य है जो इतनी संख्या में मेरी बेटियां बैठी हैं, नारी वर्ग इतनी संख्या में, नर वर्ग इतनी इत्तेदाद में, महाराज जी की चोटी को, चोटी का राज और ज्ञान ले रहे हैं। जब जागे पूर्व के भाग, जब पिछले जन्म के शुभ संस्कार जाग जाते हैं, तो क्या होता है बाबा, दुनिया दिखे काला नाग, दुनिया फनिया सांप नजर आती है, जहर से भरी हुई, कुछ नहीं, किसी काम की नहीं, कई काम का अड्डा, कई क्रोध का, कई मोह का, कई लोभ का, कई अहंकार का, कई राग का, कई द्वेष का, ये किसी काम की नहीं ना। तब जाके मन पूर्ण रूपे लग जाता, इसे बोलते हैं तत्परा, जुट गया जीव, लग गए सच्चाई के पुतले बन के लग गए। कब लग गए, जब मन और कहीं ना लगे। परमात्मा करे इस जन्म में अगर गीता मिली है तत्पर हो जाओ। मैं तो लगा ही हुआ हूं, आप सब तत्पर हो जाओ, भगवान के लिए जुट जाओ, और वो भी भगवान करे इसको सड़ने से पहले, इस शरीर को आग लगने से पहले अपनी गतिविधियों को निकाल दे। जुट गए जो अपनी कमजोरियां निकालने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, जो लग गए हैं, जुट गए हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, जैसे स्नान में होता है, साबुन लगाती हैं जो मैल या कोई और गंधमंद या कोई और ऐसी चीज ऊपर से आ गई है, साबुन इसी लगाया जाता है, फिर तेल लगाती है खुश्की दूर करने के लिए, क्योंकि साबुन में कई ऐसी चीजें हैं जो खुश्की पैदा कर देती है। तो दोनों, साबुन लगा किसी अनवांटेड को निकालने के लिए, तेल लगाया गया कि अपने को मेंटेन करने के लिए। हाय मेरे रब्बा, तो जीव तत्पर होता है दो तरफा, अपनी कमियों को दूर करने के लिए और अपनी भक्ति को मेंटेन करने के लिए। फॉर मेंटेनेंस, कि हमारे भक्ति और बढ़ जाए। ये कैसा अच्छा शब्द लगाया भगवान ने। आजकल जीव क्या होते हैं, कुछ श्रद्धालु तो होते हैं, आम आप देखोगे तत्पर नहीं होते, धर्म स्थानों में जाने वाले तत्पर नहीं होते, बकबक करने वाले बतेरे मिल जाएंगे, जुटने वाले, लगने वाले, अपने में तलीन होके कमियां निकालने वाले, हाय कोई कोई, खुद कृष्ण कहती है, खुद हमारे भगवान कह रही है, ये मौका हो शाजो नादर नसीब, बहुत कम जीव होते हैं इस तरह जो तत्पर हो जाए। बातें बनाने वाली बेटियां बतेरी बतेरी, गुरु बतेरी बना लेंगे, धर्म स्थान का लेकर तत्पर है कि नहीं, गीत भी गा लेंगे, नच भी लेंगी, लेकर तत्पर अपनी कमियां दूर कर रहे हो नहीं, प्रातः काल उठ रही है, जाप कर रहे हैं, भजन कर रही है नहीं। गीता पढ़ने का मतलब यही होता है, जैसे सवेरे उठे आप भगवान के लिए बैठ गए, वो नंबर दो में होता है गीता जी पढ़ना। तो गीता, गीता में क्या है, गीता में क्या है, गीता पढ़ेंगे कोई श्लोक, ये श्लोक पढ़ा इसको क्या बोलती है, अरे व्यास जी ने एक और शब्द बताया जी, हाँ जब सारी गीता सुनने के बाद हमारे चाचों का चाचा कह रहा है, संजय सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये योगेश्वर श्री कृष्ण का कलाम, उन्हें याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं। देखी ना ये क्या संजय कह रहा है, कि सुना व्यास जी की दया से तमाम, तो व्यास जी क्या कहती है, गीता में श्लोक तो है ही, और श्लोक का मतलब शोक दूर करे श्लोक, शोक मैंने तीन प्रकार के दुख, आदि व्याधि और
ये भी आपने नहीं समझा, पहले मैंने कई बार बताया, जो हमारे शोक दूर करे कहलाए श्लोक। ओए 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 ओए, क्या नाम रखा है श्लोक, क्यों इसका नाम और क्यों नहीं रखा? क्या पढ़ने से शोक दूर हो जाएंगे? नहीं, वो कहती है समझो कि ये जो श्लोक है ये भगवान का आदेश है, इट इज कमांडमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कमांडमेंट जी, हाँ, जैसे मैं आपको आज्ञा देता हूं, तौलिया गिर गया उठा के लाना, ये आज्ञा। तो व्यास जी कहते हैं इसी तरीके से महाराज जी ने जो श्लोक कहे ये आज्ञा दी है हमें, ऐसा कर लो, प्रलोक बना लो। कोई 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 गीता में महाराज जी कहते हैं आदेश है ये, भगवान का आदेश। मेरे जैसे जो बोल रही है ये क्या संदेश है? हाय, हम संदेश दे रही है, संदेश वाहक है, मैसेंजर है, भगवान का संदेश देने वाला संदेश, ये संदेश कहलाएगा। और जो भगवान जी ने दिया गीता जी में छपा है ये आदेश है। हाँ, अच्छा आदेश समझ लिया भगवान का, हाँ अब हम तत्पर हो गए, अब ये उपदेश है। ओए 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 ओए, जब आप जुट जाएंगे उसको 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 उसके अनुसार अपना अंतर्गत बनाने के लिए, वो उपदेश कहलाएगा। भला हो आपका व्यास जी, बहुत भला हो। कैसे उपयुक्त शब्द लगाए हैं व्यास जी ने, आदेश, आगे क्या बोलूं, संदेश हमारे जैसे द्वारा, और जब अपनाने लग जाओगे तो उपदेश। आहा, उपदेश तो बनेगा भी तब गीता को उपदेश, जब आप अपनाने में लग गए, जब आप तत्पर हो गए, जुट गए, लग गए कि बस मैंने ऐसा बन जाना, मैंने ऐसा बनाना है। भगवान ने कहा तत्पर, मैंने प्रातःकाल, दिन में तो टाइम नहीं मिलता, मैं प्रातःकाल उठूंगा, उठ के भगवान के से शक्ति मांगूंगा और अपने अंदर देखूंगा और उस कमी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और अब ये बात मेरी जरूर बनेगी। ये हो गया उपदेश। जब आप अपनाने के लिए जुट गई हैं या अपनाने के लिए लग गए मेरे सजनों, नाउ इट इज रियली कॉल्ड उपदेश। और वैसे अब जो मैं सुना रहा हूं भगवान के, ये संदेश हो गया। और वैसे जब आप पढ़े तो ये आदेश है। आदेश कहते हुक्म, कमांडमेंट। अच्छा, इसलिए कोई कहे नहीं बाबा तू गप मार रहा है, नहीं मेरे बच्चे, प्रमाण है, इसके सबूत है, पता चल गया दिल है, बजा लूंगा आपके हुक्म से। अर्जुन के मुख से हुक्म निकला है, अर्थात आपने जो आदेश दिया है सेना को पर, बजा लूंगा आपके कृष्य वतनम तप, कृष्य वचनम तप, लो प्रभु मैं आपके वचन को आप जीवन में ढाल लूंगा, आपके आदेश को अपने जीवन में, अपने रोक, अपने दैनिक जीवन में उतारूंगा, डेली लाइफ में इसे ट्रांसलेट कर लूंगा, लो अब हो गया कल्याण। यस, यथार्थ रूप में तत्पर हो जाना, जुट जाना, आहा, ऐसे गीता के अनुरूप उसका जीवन बन जाता, गीता के अनुसार उसका बुद्धि बन गई, मन बन गया, कार्य बन गए। अब कार्यों में मेरे भगवान की मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उसने पक्का कर दिया, फकत मेरी खातर तू। अब मन भी भगवान के रंग में रंगा जाएगा, क्योंकि उसने पक्का कर लिया सदा मेरा पेहम जिसे, और बुद्धि भी भगवान के रंग में रंगी गई कि उसने पक्का कर लिया है। क्या 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 भजस माम तू कर सच्चे दिल से प्रस्तिश में, ये बुद्धि रंगी गई, मन उनके विचारों में रहा, मन रंगा गया, कर्म उनके प्यार में होने लगे, तो हमारे कर्म रंगे गए। अब हम कह सकेंगे कि मैं भगवान के प्रायण हो गया या तत्पर हा, तब भगवान कहेंगे ये तत्पर है, इसलिए ये चोटी का श्रद्धालु भी है और संयत इंद्रिय संयम वाला भी है, संयमशील, शील होता स्वभाव, इसका स्वभाव संयम वाला है। लोगों का स्वभाव क्या होता है, चंचल स्वभाव, जैसी कोई वृत्ति आई ना वैसे काम के कामी बन गए, क्रोधी बन गए, लोभी बन गए, अहंकारी बन, जैसे वृत्ति आई वैसे बन गए, तो वो होते चंचल, चंचल का अर्थ चाल सोचाल,
हाय मेरे रब्बा चंचल करते होता है, चल सो चल, कभी काम धक्के दे रहा है, कभी क्रोध आगे ले जा रहा है, कभी काम लोभ ले जा रहा है, ये चल सो चल, हाय चंचल लोग होती है चंचल, शाबाश आप होती है निश्चल, हाय काय 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 काय, आपको कहा जाता है निश्चल, निश्चल मने एकांत में रहने वाले, चलाए मान नहीं कि कोई वृत्ति आपको खींच के ले जाए, ये निश्चल। और निश्चल क्या होती है, हा हा हा, निश्चल जो होती है क्या होती है, छली होती है, धोखा देने वाले, निश्चल हा छली, धोखा देती है अपने को और समाज को, पर हम तो निश्चल बन जाना, निश्चल बिल्कुल निश्चय रूप से, यह है तत्परा। तीन शर्तें लगाई भगवान कह रही है, ये बड़ी जल्दी जीव तलीन हो जाएंगे अगर ये साधन ले ले, चोटी के श्रद्धालु, श्रद्धालु ये चोटी के होंगे क्या होंगे, संयमशील, उनके अपने पर संयम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा एक एक अंग पर, और तीसरा उनको संयत अपने पर क्या हो गया, तत्पर हो गया, जुटे हुए लगे हुए। अगर आप भक्ति का हमारे पता है मेरे कल्याण करना है तो आप लग जाएंगी, पता क्या मैंने 80% नंबर लेने हैं, परसेंटेज 80%, आप कभी घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, अखबारों में टाइम नहीं लगाएंगे, टीवी में टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं, इन सारी बातों में, वीडियो टीवी और इन सारों से मन हटा लेंगे और पूरा अपना मन जमा देंगे अपने प्रिपरेशन में, आहा आप उसी प्रिपरेटरी में लग जाएंगे, ओ वेरी गुड वे, बहुत अच्छे। इस तरह जो जीव कहता है मैंने आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, वो लग जाते हैं भगवान के साधना में, उसको बोलती है मेरे भगवान जी तत्परा, वो जुड़ जाती है, लग गए बड़े। मैंने प्रभु को प्रसन्न देखा जो सच्चे मन से, मन वचन कर्म से एक होकर, वो मेरे सजनों मेरे देवियों लग गए। खर हम तो छड़े छांट हुए, आप गृहस्थी झमेले बतेरे, लेना देना बतेरा, जिम्मेवारियां जो आजकल कही जाती है, जिम्मेवारियां राज के ख्वारियां, इतना कुछ होते हुए फिर भी आप तत्पर हो जाए भगवान, मेरे भगवान मेरे से भी ज्यादा खुश होंगे आप पर, बहुत ज्यादा खुश, हमारे लिए क्या गान है, अच्छी तो नींद आई अच्छी, और आपकी वो कितने बच्चे थे, कितनी कटियां थे, कितने कट्टे, कितना लेना देना व्यवहार, कभी माँ से और से आ रहे हैं, कभी पिताजी की ओर से आ रहे हैं, कभी आप सहेलियां ने हेडियां बना जो रखी आटियां फाटियां, कभी ये आई जा रही है, कभी इनका लेना देना, कभी कहीं पत्र आई जा रही है, वही वही कोई काले पत्र, नीले पीले पत्र, ये बतेरे पत्र आ रहे, इन सारों को से निपटना, और इधर भक्ति भी करनी, वही 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 इन सारों से निपट के जाना, एक बाल्टी पकड़ के घर पहुंचना कोई मुश्किल है, तीन मटके और एक बगल में मटकी दबा के घर पहुंचना, आ देखो हिम्मत, और फिर जाके घरवंजी पे रख देने सारे घड़े, आप तो वो गए, इतनी जिम्मेवारियां, इतना लेना देना, इन सारी, और आप पद क्या है, एक प्लास्टर की बाल्टी छोटी जी है वो लेके जा रही है, रब तो आप पे खुश होगा, ये पिनहारियां आहा, और हमारा क्या है, ये है प्रगट, हम तो एक छोटी सी बाल्टी लेकर निकले जा रहे हैं, और आप देखो कितनी जिम्मेवारियां लेके जा रहे हो, कितने ख्वारियां लेके जा रहे हो, शाबाश। इसलिए मेरे मालिक मेरे से भी ज्यादा खुश होंगे अगर आप भगवान के लिए तत्पर हो जाएंगे, कि मैंने जुट जाना, मैंने लग जाना, इसके बिना चारो जो नहीं, इसके बिना गुजारो जो नहीं, भगवान कह रहे ये साधन मेरे और आप में चमकना चाहिए। श्रद्धावान लब्धि ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, श्रद्धा तत्परता संयम, श्रद्धा तत्परता संयम है, श्रद्धा फेथ कहिए, तत्परता स्ट्रगल कहिए, और संयम कहिए विड्रावल, विड्रावल अपने आप को विड्रॉ कर लेना चारों ओर से, चारों ओर से खींच लेना, परमात्मा करे ये तीनों गुण मेरे और आप में चमके, जैसे ये आपका उत्तर की ओर ध्रुव तारा चमकता है, ध्रुव तारा सदा उत्तर में रहता है, नॉर्थ में रहता, ध्रुव बाकी तारे तो बदलते रहते हैं, ध्रुव तारा नहीं बदलता। आहा आहा आहा, अंग्रेजों की मां मर गई कब, जब उन्होंने कहा ध्रुव तारे की अंग्रेजी क्या बनाई,
बाकी धर्म से अंग्रेजी अलग अलग है, पर ये तो कहीं हिलता नहीं, कहीं जाता नहीं। फिर उनको पादरी ने बताया कि ध्रुव तारा का नाम रख दो पोल स्टार। पोल तो होता बिजली का खंभा, आए मेरे बोए, पोल तो होता बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा है, कहीं हिलता ही नहीं, पोल स्टार। ध्रुव तारे को बोलती है पोल स्टार। परमात्मा करे हम भी पोल स्टार की तरह या ध्रुव तारे की तरह बस दृढ़ रहे अपनी साधना में, अपने अभ्यास में। आओ फिर आप मेरे साथ शामिल हो जाओ और भगवान को प्रसन्न करो, चूंकि ये सच्चाई है। सच्चाई को ही हम कीर्तन में प्रकट करते हुए अपनी श्रद्धा को बढ़ाना बढ़ा रहे हैं। भगवान सुन के खुश होंगे। मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी जरा सुर और ताल के साथ, कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा। अरे कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से प्रसन्न करो अपने भगवान को। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हम भगतन के भक्त हमारे, भगवान ने चोटी की प्रतिज्ञा कर रखी आप जानते हैं। हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे। गम हाय हाय कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी बहुत अच्छे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रहे हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे हम भक्तन के भक्ति हमारे वतन तेरे याद आ रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हम भक्तन के भक्ति हमारे वचन तेरे याद आ। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। तेरी गीता को शरदा से सुनते जा रहे हम भक्तन के भक्ति हमारे वचन तेरे याद आ रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हम भक्तन के भक्ति हमारे वचन तेरे तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की